फाइनली अपना जर्नी अब एंड हो रहा है और हम लोग सब लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कोमो अभी ईद करने वाला और ये दवा ले स्लो जा रहा है। मेरा दोस्त खड़ा है स्टेशन पे और ये दवा मैं उसको दे दूंगा। अभी देखिए दोस्ती क्या चीज होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा बच्चा हुआ तो मैंने ऑर्डर किया था और कितना देर हो गया स्नैक्स आप सर्व करके? 5-10 मिनट। तुम्हें कितना टाइम हुआ? कम से कम 1 घंटा हो गया। अब शायद थोड़ी देर में डिनर भी सर्व हो जाएगा। और अभी तक भाई साहब ने ये जो ट्रीटमेंट दिए ना कि पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक इन्होंने अब 8 बजे के आसपास ये लेके आए सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक नई जर्नी को लेकर और आज का जर्नी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस रूट पे मैं बहुत दिनों से ट्रैवल करने जा रहा था चाह रहा था। तो आज का जो जर्नी है कौन सा ट्रेन का है, कहाँ है, कैसे है, ये सारा आपको डिटेल्स आगे मैं प्लेटफॉर्म पहुँच के दूंगा। और ये मेरे पीछे एज यूजल रांची रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और फिर पूरे ट्रेन के बारे में डिटेल्स बताते हैं आपको। तो ये है अपना रांची रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा है। और ये मेन एंट्रेंस है और ये रांची रेलवे स्टेशन के बिल्कुल देखिए 17:29 पे है और ये आरएल क्वीन इंजन लगी हुई है। स्टेशन आए सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट की तरफ पर चेक इन करना पड़ेगा लगेज वगैरह। भाई पहले लगेज लेके चलते हैं अंदर। जो जर्नी है ये ट्रेन नंबर 20839 रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है और ये जो रूट है ना ये आपको बोकारो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन पे रुकती नहीं है लेकिन बोकारो कोडरमा गया रूट से जाने वाली है। और ये रूट मेरा बहुत फेवरेट रूट है। यहाँ पे ट्रेन बहुत ही अच्छा स्पीड में जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जंक्शन है जिसको गोमो के नाम से जानते हो मेरा बर्थ प्लेस भी है तो मैं ऑलवेज एक्साइटेड होता हूँ उस स्टेशन को क्रॉस करने के लिए। तो अपना जो कोच है वो B10 है। तो ट्रेन आती है थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। और आज रश बहुत ज़्यादा है, देखिए पूरा तत्काल में मैंने टिकट लिया है। तो क्या कैसे है सारा चीज़ जो है देखिए पीछे ये सारा आपको दिखेगा। और ये ट्रेन ये देखिए ट्रेन अपनी ट्रेन इन कर गई है। ये देखिए कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, चलिए लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली। कौन सी ट्रेन से? जम्मू तवी से। चलिए मैं तो निकल रहा हूँ इससे। चलिए ये अपनी ट्रेन आ गई है और अपना कोच है B10। तो चलते हैं B10 में। तो अपना कोच आगे B10 है और एकदम बिल्कुल एंट्रेंस के पास में ही है। और आज बहुत ज़्यादा एक्चुअली इसके जस्ट बाद जम्मू तभी भी है उसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है। और प्लेटफॉर्म तो बहुत नीट एंड क्लीन है रांची का। नहीं हो तो ठीक है, नहीं मैं टर्मिनल तक मिलवा दूंगा। देखिए थोड़ा सा भीड़ कम होता है तो मैं चढ़ता हूँ। जो सीट नंबर है वो 20 है तो उस साइड से चलते हैं। इस साइड से काफी दूर आना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं अनाउंसमेंट आप सुन रहे होंगे। आइए दिखाते हैं और ये स्लीपर क्लास है, स्लीपर मीन्स AC 3 टायर। और अपना सीट नंबर जो है ये 20 नंबर है, 20। कोच काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ये देखिए काफ़ी सारे पावर प्लग दिए हुए हैं। और ये जो है ना ये मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, यदि आपको पता है ये डॉट क्या होता है तो कमेंट करके बताइए और यदि आपको नहीं पता तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा या मेरे किसी और वीडियो में आप देख सकते हैं। पैसेंजर सभी आ गए हैं यहाँ पे
ये देखिए सभी लोग। और चलिए ट्रेन खुलने वाली है तो हम थोड़ा सा डिपार्चर आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आके बैठते हैं। भाई भी बहुत एक्साइटेड है हमसे मिलके, क्योंकि भाई का अभी थोड़ा सा बात करके लगा, ये भी बहुत इनका भी वंडरलस्ट टाइप का है, घुमक्कर टाइप के भी है, और ये घूमने के लिए ट्रांसफर लिए शायद बता रहे थे, तो आगे बात करेंगे भाई से भी। मैडम भी जा रही है, बहुत सारा लगेज है मैडम का, शिफ्टिंग है राउरकेला से, और ये बेटा थोड़ा उनका डरता है, अंकल जी है। और आप भाई कहाँ से हैं? लखनऊ से। आप भी लखनऊ से हैं, तो चलिए एक लखनऊ में आज दोस्ती हो जाएगा अपना। तो आते हैं हम ट्रेन का डिपार्चर दिखा के, चलिए आते हैं। देखिए ट्रेन पूरा फुल हो चुका है और हमने भी तत्काल में टिकट लिया है, तो पूरा ट्रेन भरा हुआ है। ये देखिए सारा पैक हो चुका है और ये पानी वानी भी दे रहे हैं भाई। डिपार्चर हो चुका है और ये रांची स्टेशन का डिपार्चर है। और ये समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मोबाइल का जो स्नैचिंग होता है ना, इसी समय में होता है। लेकिन हमको डिपार्चर दिखाना भी पड़ता है और इसलिए रिस्क थोड़ा लेना तो पड़ता है। अभी तक तो संयोग अच्छा रहा है मेरा, और कोशिश करते हैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ जब तक ट्रेन स्पीड नहीं हो जाए। अपना ट्रेन खुल चुका है, ये रांची स्टेशन का आप देख सकते हैं नजारा, और मेरे कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी हर जर्नी एक नया जर्नी होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। अब पता नहीं किस जर्नी में आपको क्या देखने को मिल जाए, ये नहीं पता होता है। देखिए राजधानी की खासियत है, और सभी ट्रेन में आप जाएंगे ना तो पिलो और कवर ऐसी दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भाई एकदम सभी पिलो में कवर लगा रहे हैं और बहुत सलीके से दे रहे हैं। तो भाई आज मैंने राजधानी में ट्रायल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने जो आज फूड बुक नहीं कराया था, लेकिन जैसे ही स्नैक्स सर्व होने के लिए हुआ तो मैंने ऑर्डर किया था। और कितना देर हो गया स्नैक्स आप सर्व करके? 5-10 मिनट। तुम्हें कितना टाइम हो रहा? कम से कम 1 घंटा हो गया। अब शायद थोड़ी देर में डिनर भी सर्व हो जाएगा। और अभी तक भाई साहब ने ये जो ट्रीटमेंट दिए ना, कि पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक इन्होंने अब 8 बजे के आसपास ये लेके आ रहे हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए, बहुत सारे पैसेंजर का रिपोर्ट होता है, ठीक है? और मैं स्नैक्स नहीं दूंगा, मुझे चाय पिला दीजिए। चाय पिला दीजिए और डिनर की सर्विस बिल्कुल लेट। नहीं, डिनर नहीं चाहिए मुझे, डिनर मैं लेके आया हूँ। अच्छा, और मुझे सुबह ब्रेकफास्ट का मेरा ऑर्डर ले लीजिए। तो भाई ये है स्थिति, और राजधानी ट्रेन है, मैनेजर साहब खुद भी आए हुए हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए। देखिए कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बुक कराता है तो इसका मतलब ये नहीं है इज नॉट कैपेबल, बट वो फीलिंग वो ट्रीटमेंट जो है ना, ये बहुत खराब ट्रीटमेंट है जी सर, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर सर्व हो गया है, सर्व ये हो गया है, और 1 आवर पहले मैंने खा लिया। और ऐसा भी नहीं कि उसको डिनर बनाना है, डिनर ही करना है, नाश्ता तो स्नैक्स तो ऐसे भी रेडी रहता है, ठीक है? नहीं है तो बोल दो नहीं है, ठीक है सर। चलिए सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट चाय थोड़ा मिला दीजिए, बस 10 मिनट का समय। तो ट्रेन अभी अपना पहला ऑफिशियल स्टॉपेज जो है बोकारो स्टील सिटी आई है, और यहाँ बिफोर आई है, यहाँ 8:01 आने का समय है और लगभग 7:55 में ही आ गई, और अब 8:10 में खुलेगी। तो ये कुछ ऐसा है बोकारो स्टेशन। चलिए हम थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। और ये अपनी ट्रेन है, ये
कारों से ट्रेन खुलने के बाद खाना सर्व हो गया है और अपने साथ भाई है, तो आपने क्या लिया, वेज लिया है नॉन वेज लिया है? वेज लिया है। वेज लिया है तो क्या क्या है वेज में? वेज में तीन रोटी है, सॉरी दो रोटी है, पनीर है, आलू भुंजिया है। आलू का भुंजिया है, दाल है, दाल है, राइस है और दही दिया, दही भी दिया। कैसा टेस्ट खाना का? खाने का टेस्ट ठीक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है भाई, राजधानी का ये डिनर है, वेज डिनर है। और शायद मैडम लोग नॉन वेज ली होंगी तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ट्रेन जो है चंद्रपुरा क्रॉस की है और अभी जो स्टेशन आने वाला है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको गोमो जंक्शन के नाम से जाना जाता था। और गोमो जंक्शन से मेरा बहुत ही लगाव है, क्योंकि मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ, गोमो मेरा बर्थ प्लेस है। मेरे फादर यहाँ से रिटायर्ड किए रेलवे से, स्टेशन मैनेजर से। और आज जो है ना वो एक थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या है, मेरा बचपन का एक दोस्त है बाली, और वो अभी कुछ दिन पहले गिर गया था तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो अभी उसके लिए मैं रांची से कुछ दवा है, ये देखिए दवा है कुछ जो मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन गोमो में ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चूंकि ये रांची वाला लाइन जो होता है ना स्लो होता है, तो अभी स्टेशन पे खड़ा है। और देखिए मैं उसको ये जो दवा है वो मैं उसको चलती ट्रेन में से उसको थ्रो कर दूंगा तो वो ले लेगा। और मैंने पैकिंग भी ऐसा किया है ना कि ये पूरा स्पंजी पैकिंग है और ये प्लास्टिक के डब्बे में है, चूंकि वो दवा मिल नहीं रहा था वहाँ पे, तो मैं स्पेशली उसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो अभी गोमो आने वाला है, देखिए क्या होता है, कितना स्पीड में ट्रेन जाता है पता नहीं। मैं तो मना रहा हूँ थोड़ा स्लो होके जाए ताकि मैं उसको दे दूँ और थोड़ा देख भी लूँ दूर से। तो आइए गोमो में मिलते हैं आपसे। प्रतीक, अच्छा प्रतीक, खाना खा रहे हो, कैसा लग रहा खाना? टेस्टी लग रहा, अच्छा लग रहा। तो चलिए मैडम भी खा रही है और ये सर भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा खाना? अच्छा अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। तो चलिए सभी लोग खा रहे हैं। जब चलता रहता तो ये नहीं पता चलता रहता कि अंदर क्या क्या होता है, लेकिन देखिए ये करामात होते रहता है ट्रेन में, कोई सोता है, कोई खाता है, तो सारे लोग अपना अपना काम करते रहते हैं और बाहर में सिर्फ हम लोग ट्रेन को पास होते हुए देखते हैं। तो ये देखिए सब लोग अपने खाने का आनंद ले रहे हैं। और चलिए गोमो आने वाला है तो काफी स्पीड है। अभी चलते हैं गेट के पास और देखते हैं, क्योंकि इस साइड में तो पूरा पेंट्री लगा हुआ है। अब धीरे धीरे ट्रेन स्लो होना शुरू हुई है और ये भी काम जो है ना बड़ा गजब का काम। अरे इधर भी तो बहुत सारा लगेज रखा हुआ है। गोमो अभी ईन करने वाला और ये दवा दो स्लो जा रहा है, मेरा दोस्त खड़ा है स्टेशन पे और ये दवा मैं उसको दे दूंगा। अभी प्लेटफॉर्म ईन कर गई है और काफी स्लो है, बस इतना में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। देखिए दोस्ती क्या चीज होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा बचपन का दोस्त है और वो खड़ा है अभी स्टेशन पे, ये देखिए। और ये मैंने अपने दोस्त को दे दिया। और ये मेरा बर्थ प्लेस है गोमो, ये देखिए भाई। तो गोमो से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ और ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। गोमो जंक्शन, तो चलिए अंदर चलते हैं। और अगला स्टॉपेज जो है कोडरमा है। अब रात का समय है, देखते हैं
इतना आपको दिखा पाएंगे, नहीं तो कल सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी सुबह का समय हुआ है और ट्रेन अलीगढ़ से आगे निकल चुकी है, राइट टाइम है, और फिर अगले एक आध घंटे के अंदर अंदर हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। साधारण एक्सप्रेस पैरेलल चल रही है गाजियाबाद में, मतलब राजधानी का कोई वैल्यू नहीं है भाई, जन साधारण ओवरटेक किया जा रहा है। गाजियाबाद स्टेशन क्रॉस हो रहा और ये दिल्ली है, इसके बाद दिल्ली ही है। फाइनली अपना जर्नी अब एंड हो रहा है और हम लोग सब लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सुमित भाई भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा पॉलिटिकल व्यू हम लोग का अलग अलग है। और रात में भाई एसी बंद कर दिया था ट्रेन का और सभी लोग सोए थे, मैं अकेले जग के गया और फिर एसी ऑन करवाया। और ये है मिस्टर प्रतीक आचार्य, इनके लिए एक सुंदर सा हमको किसका ताला से कन्यान की है? किसका ताला से बताओ? एक सुंदर सा स्कूल का ताला से भाई, जहाँ पढ़ाई कराएंगे, अभी शादी नहीं करना है, ठीक है, पहले पढ़ाई करना है। और ये प्रतीक की मम्मी है, नाना जी है, ये लोग राउरकेला से रांची आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जर्नी रहा भाई और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी अपना नई दिल्ली आ गया और हम लोग अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं और भविष्य में जरूर मिलेंगे, सोशल मीडिया है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया कंपनी के लिए सबको धन्यवाद। और वो तो बोला भी नहीं, क्या नाम है? सत्यांश तो बिल्कुल चुप था, बोला भी नहीं। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। और सबको बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, सुमित भाई को कितना मेहनत करता है। सब्सक्राइब कीजिए बाप बेटा यूट्यूब चैनल, भाई कितना मेहनत करके बनाते हैं आपको के लिए, ठीक है। देखिए आगे न्यू दिल्ली, और ये जो गैप है ना बहुत ज्यादा है, ये न्यू दिल्ली का जो गैप है बहुत ज्यादा है, ध्यान से करिएगा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ नई दिल्ली का स्टेशन का नजारा ऐसा है, और अपना ट्रेन भी आ गया।